कैसे शरारती एक देश के गले की फांस बन सकते हैं, इसका जीता जागता सबूत आप यूरोप में देख सकते हैं। यूरोप पर मुसीबतों का पहाड़ टूट चुका है, वजह शरारती। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा पोलैंड ने कहा है। यूरोप ने कई देशों को बर्बाद किया, लेकिन अब खुद बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। उसका लिबरल बनना ही उसके लिए बहुत बड़ी सजा बन गया। जब यूरोप ने शरणार्थियों को अपने घर में जगह दी, उसे लगा था कि उसका फायदा होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यही शरणार्थी उसके गले की हड्डी बन जाएंगे। लाखों की संख्या में शरणार्थी यूरोप में आकर बस गए। इनमें एक बड़ी संख्या गैर कानूनी तरीके से आए शरणार्थियों की भी थी, लेकिन आज यही शरणार्थी यूरोप पर हावी हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूरोप में अब गैर कानूनी तरीके से आए शरणार्थियों ने बवाल काट रखा है। फ्रांस तो बुरी तरह से जल रहा है, ऐसे में पोलैंड की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ऐसा बयान जिसे सुनकर शायद यूरोप के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। पोलैंड के प्रधानमंत्री मोटियुज मोरावस्की ने एक वीडियो में कहा है, यूरोप पर हमला हो रहा है, यूरोप की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारे महाद्वीप के निवासियों की सुरक्षा खतरे में है। उन्होंने कहा वो ब्रुसेल्स में एक शिखर सम्मेलन में यूरोपीय संघ के नेताओं को सुरक्षित सीमाओं के लिए एक योजना का प्रस्ताव देंगे। इस महीने की शुरुआत में यूरोपीय संघ के देशों में शरण कानून में सुधार पर एक सफलता हासिल की। बिना प्राधिकरण के यूरोप में प्रवेश करने वाले प्रवासियों के लिए जिम्मेदारी साझा करने की योजना पर एक समझौते पर मुहर लगाई गई। ये मुद्दा सबसे लंबे समय तक चलने वाले राजनीतिक संकटों में से है। मोरावस्की ने कहा है कि वो यूरोपीय संघ के नियमों को नहीं मानेगा। साथ ही साथ पोलैंड के पीएम ने एक हैरान कर देने वाला वीडियो भी ट्वीट किया है। इस वीडियो के जरिए पोलैंड के पीएम ने ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे शरणार्थी फ्रांस में हमला कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड में शांति है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि फ्रांस के लोग डरे सहमे हैं, वहीं पोलैंड के लोग अमन चैन और शांति के साथ जी रहे हैं। इस वीडियो से पोलैंड के पीएम ने ये बताने की कोशिश की है कि पोलैंड इसलिए सुरक्षित है क्योंकि उसकी सीमाएं सुरक्षित है। पोलैंड के पीएम का मानना है कि फ्रांस कुछ ज्यादा ही लिबरल बनने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस अंधाधुंध शरणार्थियों को अपने घर में पनाह दे रहा था, जिसका खामियाजा अब वो भुगत रहा है। पोलैंड का कहना है कि हमने अपनी सीमाएं सुरक्षित कर ली हैं, अब यूरोप को भी कर लेना चाहिए। फिलहाल अब पोलैंड को हंगरी का भी साथ मिल गया है। इन दोनों देशों का कहना है कि यूरोप को शरणार्थियों को लेकर बनाए गए रूल्स पर दोबारा विचार करना चाहिए। शरणार्थियों को लेकर इतना उदार बनना सही नहीं है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल पोलैंड ने एशिया और अफ्रीका के हजारों प्रवासियों को बेलारूस से देश में प्रवेश करने से रोकने लगभग 190 किलोमीटर लंबी दीवार खड़ी की थी। ये दीवार ऐसे ही नहीं खड़ी की गई, बल्कि इसलिए खड़ी की गई ताकि बेलारूस के रास्ते मुस्लिम और प्रवासी गैर कानूनी तरीके से पोलैंड में न घुस पाए। पोलैंड ने ट्वीट किए गए वीडियो से ये भी दिखाना चाहा है कि उसकी नीति शरणार्थियों को लेकर सही है, लेकिन अब यूरोपीय यूनियन को भी बड़े कदम उठाने की जरूरत है। VK News, राष्ट्र के नाम।